दोस्तों जब भी हम कहीं घूमना जाते हैं, जब जाने की बात होती है, तो पहले सबसे पहले अपना जेब और पॉकेट देखते हैं। जहां पर बजट की बात करें तो आज हम इस वीडियो में यही बताने वाले हैं, अगर आप संगम घूमने आ रहे हैं और आपकी जेब में क्या बजट है, उस बजट के हिसाब से आपको घूमना है। क्योंकि टैक्सी वाले हो सकता है, जो बड़े बस वाले हैं, आपको भाड़ा अधिक बता सकते हैं। अगर आप बाहरी हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें अंत तक, मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ। पहले तो आप अगर आप टैक्सी करते हैं या पर्सनली टैक्सी करते हैं तो लगभग ये मान के चलिए आपको टैक्सी वाला 1000 रुपये ले लेगा। तो मैं दोस्तों आपको सावधान करना चाहूँगा, टैक्सी आपको जरूरत के हिसाब से करना है, क्योंकि आपको यहाँ पर रुक रुक कर ही करना है। दोस्तों बता चाहूँगा इलाहाबाद की ज़्यादा बड़ी दूरी नहीं है, 15 से 20 किलोमीटर में पूरा इलाहाबाद आपका ख़त्म होता है। तो अगर आप फाफा मऊ से आ रहे हैं तो फाफा मऊ से अगर आपने टैक्सी किया, अगर आपको संगम आना है तो मात्र आपको 30 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। अगर आप नैनी से आ रहे हैं तो भी आपको 40 से 50 रुपये लगते हैं। अगर आप कौशाम्बी साइड से आ रहे हैं तो भी आपको 60 से 70 रुपये लग सकते हैं। लेकिन ये बस का सिस्टम है, अगर ऑटो से आते हैं, ऑटो से रुक रुक के आते हैं, तो वो आपको और भी महंगा पड़ सकता है। इसके अलावा आप कैब भी यूज़ कर सकते हैं और कार भी यूज़ कर सकते हैं। कार के भी चार्जेस लगभग स्पेशली आप करेंगे तो 500 से 600 रुपये है। अब मैं आपको छोटे छोटे रेट बता रहा हूँ जो आपको हमेशा ध्यान रखना है। जैसे आप स्टेशन पे हैं, स्टेशन से कोई टैक्सी आप पकड़ते हैं तो वहाँ से आपको संगम आने के लिए मात्र 20 रुपये लगेगा। अगर आप मेले के टाइम में आएंगे तो हो सकता है वो आपका भाड़ा 30 रुपये ले, इससे अधिक आपको भाड़ा नहीं देने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो सिटी बस चल रही उनका भी रेट आपका बमरौली से लेकर के आपका सिटी तक लगभग 20 रुपये ही है, हो सकता है मेले पर रेट चार्ज बढ़ जाए तो 30 रुपये ले। इसके अलावा अगर आप झूसी से संगम आ रहे हैं तो वही मैंने आपको पहले बताया 30 से 35 रुपये, ज़्यादा पैसे नहीं लगते दोस्तों। क्योंकि बाहरी जब आते हैं उनको पता नहीं रहता रेट चार्ट और वे तमाम लोगों से फंस जाते हैं। कुछ जो बाहरी टैक्सी वाले, वो 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये तमाम तरह के रेट बता दें तो आपको ये रेट दिमाग में बैठाना होगा। इसके अलावा दोस्तों रिक्शे के बारे में बता दूँ, जैसे आप सिविल लाइन में रिक्शा करना चाहते हैं, सिविल लाइन से आपको ई रिक्शा भी मिल जाएंगे आजकल। वो आपको रिक्शा, ई रिक्शा वाले आपको जो रेट चार्ज बताएंगे कम से कम 20 रुपये इस समय सिविल लाइन का ले रहे हैं। लेकिन आपको रेट, रियल रेट ये है कि 10 रुपये आपका स्टेशन का पड़ता है। अगर आप मेन स्टेशन जाएंगे तो आपको 20 रुपये पड़ेगा, ये ध्यान दीजिए। रेलवे स्टेशन आपको दोनों तरफ का है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 और प्लेटफॉर्म नंबर 10। तो दूसरी चीज, इसके अलावा वहाँ से अगर आपने ई रिक्शा किया सिर्फ संगम तक के लिए तो आपको पूरा पूरा वो आपको ई रिक्शा बुक करता है, 200 रुपये चार्जेस लेता है। अगर आप केवल सवारी के साथ जाते हैं तो आपको 15 से 20 रुपये। तो दोस्तों ये था हमारा रेट चार्ट, अगर आपको पसंद आया तो वीडियो जरूर शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।